इंदौर भोपाल हाईवे पर भौरासा के समीप सिखखेड़ी के पास डंपर व एम्बुलेंस में सामने से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ही वाहनों में आग लग गई। आग से टेम्पो ट्रैवलर में बनी एम्बुलेंस में फंसे 3 लोगों की जिंदा ही जलने से दर्दनाक मौत हो गई। बीती रात भोपाल से इंदौर जा रही टेम्पो ट्रैवल एम्बुलेंस सामने गलत दिशा से आ रहे डंपर से टकरा गई। टक्कर होते ही दोनों वाहनों में आग लग गई। इधर डंपर का चालक घटनास्थल से फरार हो गया, जबकि ट्रेवल में 3 लोग फंस गए। आग की लपटें तेज होने से उनकी वाहन में ही जलने से दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा। दुर्घटना में टेम्पो ट्रेवलर पूरी तरह जल गई थी, जबकि डंपर का भी अगला हिस्सा जल गया। अभी हादसे में जान गंवाने वाले के नाम सामने नहीं आए हैं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है, साथ ही डंपर के ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी गई है। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 केजी का रक्सैक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। तो एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए coronasoldier.com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।